नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में आज किसान आंदोलन का छठा दिन है। बड़ी संख्या में किसान यहां पे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और एक छोटा सा तंबुओं का गाँव शहर के बीचों बीच में बन गया है। इस आंदोलन में महिलाएँ भी बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं, और आज हम महिलाओं से ही चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन की कितनी ज़रूरत आज किसानों को है, क्यों किसान इस सर्दी के मौसम में भी बारिश झेल के, ठंड झेल के ये आंदोलन करने के लिए मजबूर है। भारतीय किसान यूनियन में बब्बर टिकैत के साथ आंदोलन की शुरुआत करने वाली सोनवीर ताई भी हमारे साथ में हैं। सबसे चर्चा की शुरुआत हम उन्हीं से करेंगे। ताई, क्या ज़रूरत पड़ी ठंड के इस मौसम में यहाँ आंदोलन करने की आपको? भाई, हम तो देखे नाम बहुत जगह फैलता में रहा है, ना बताऊं ना पता, सबको पता सो अच्छा, तो? अच्छा अच्छा ठीक है जी। भाई, जाड्डा हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, आखिरी सांस तक यही रहेगा। थैले कान में क्या कहते क्या गया, आखिरी सांस तक यही रहेंगे भाई, चाहे जाड्डा हो चाहे गर्मी हो, हम इस बात को मानते नहीं। हम तो किसान याद में है, हमें जाड्डा गर्मी से कुछ लेना नहीं। क्यों मजबूरी पड़ी किसानों के सामने यहाँ सर्दी में डेरा जमाने की? भैया, बात तो चौधरी साहब बताओगे, हम चौधरी साहब जैसा भी आदेश कर दे हम तो ऐसा ही कर लें, अगर नहीं हाँ मानना का नहीं मानना का जी। हाँ, मामला सोम का भी है, मामला बिजली का भी है, मामला बिल का भी है, बिजली का नहीं आवे बिल देते, मामला करने के पेमेंट का भी है जी। मामले तो बहुत है भाई, ने भाव ही नहीं बढ़ाया, मायावती ने 100 रुपये बढ़ाए थे, अच्छा और मुलाम के लुंडे ने बढ़ाए थे 60 रुपये, और भाई ना भाव ही नहीं बढ़ा, पैसा नहीं बढ़ाए भाव में। हाँ, किसान तो इन्होंने मार दिया, अगर नहीं हाँ बोल बताओ जी, बुजुर्ग क्या बुजुर्ग आप कहीं कौके कई दिन हो गए सुनवाई के मूड में तो है नहीं सरकार अभी किसानों की? नहीं नहीं है, सुननी नहीं सुनेगी, जब तक बैठे रहेंगे जब तक सुनने के नहीं। तो लंबी तैयारी है? हाँ जी, लंबी तैयारी है, जब तक हमारी समस्या हल नहीं होने जब तक जाने के नहीं उठ गए। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। सोनिया जी, क्या नाम आप तो जिलाध्यक्ष है ना महिला विंग की जी? तो अपना घर बार छोड़ के, आराम छोड़ के, क्या जरूरत पड़ेगी जो सर्दी के मौसम में आप लोग यहाँ पे आंदोलन पर बैठ गए? देखिए, किसान जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो खेती करता है वो गन्ने की करता है। पिछले साल उसने गन्ना जो है यहाँ डाल दिया मिलों पर, आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब हमारे किसान भाई अपना जो भी उन्होंने कमाया और वो गन्ना जो है मिल में डाल दिया, उसके बाद उनका पेमेंट नहीं आया, तो फसल तो हमारी ख़त्म हो चुकी, लेकिन नस्ल को बचाने के लिए हम लोग भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो है फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए यहाँ टेंट गाड़ गाड़ के राजकीय मैदान में बैठ गई है। तो जब वो फसल को बचाने के लिए बैठे तो हम लोगों को महिलाएँ जो हैं वो अपनी नस्ल को भी बचाएंगी, और राजकीय मैदान में जितना भी हो सकता है भारी से भारी संख्या में यहाँ तादाद में लोग जो है आना शुरू हो गई है। वो तो दिन रात आप लोग यहीं पे हैं? जी, हम लोग यहीं पे हैं, डटे हुए हैं। वैसे तो घर की बहुत सी सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपके कंधों पे होंगी, वो जिम्मेदारी कैसे पूरी हो रही है फिर? वो भी हम पूरी करते हैं। देखिए, हम लोग जो है ना महिलाएं जो होती है वो दो परिवार बहुत अच्छे से जो है एडजस्ट करती हैं, इसी तरह से हम दोनों घर, संगठन भी और अपना परिवार भी, दोनों को समझौते के साथ में अपना घर और ये संगठन चलाते हैं। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम शाहरोज है। आंदोलन की राह कैसे महिलाओं ने पकड़ ली? जब सरकार नहीं सुनने की तो महिलाओं को सड़कों पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ये हमारे भाइयों की लड़ाई नहीं, हम बहनों की भी लड़ाई है, दोनों साथ मिलके चलेंगे तभी सरकार सुनेगी, ऐसे सरकार नहीं सुनेगी जी। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका दर्द आपके मन में है और आप यहाँ धरने पे बैठे हैं अपना घर बार छोड़? सभी मुद्दे हैं, 12 का है मुद्दा है, बिल का है मुद्दा, गन्ने का पेमेंट है, सारे मुद्दे है किसानों किसान भाइयों के साथ, वो सारे मुद्दे हम भी उनके साथ करवाएंगे हल, यहीं बैठे हैं जब तक सांस है यहीं तक रहेंगे, आखिरी सांस तक जी। हाँ, लड़ेंगे, पक्का कमिटमेंट जी। हाँ, लड़ेंगे और जीतेंगे। कितनी संभावना है जीत की? बच्चे क्या नाम है आपको? रूपा बालियान जी। रूपा बालियान, कितनी संभावना है किसानों की जीत की?
जी पूरी की पूरी है संभावना, जीत की है। हाँ जी, जीत के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, इतना जीतने के नहीं, इतना उठ कर जाने के नहीं। किसानी से कितना संपर्क आपका है, किसानी से आपके खेत से कितना संपर्क? बस जो भी कुछ है खेती है हमारे लिए, तो और कुछ है ही नहीं आगे पीछे। नौकरी भाइयों को सरकार नहीं देती तो क्या रह गया हमारे पास, तो एक किसान की खेती रहेगी और यह जो भी कुछ है बस इसके पीछे है, आखिरी सांस तक का जितना भी होगा इसके पीछे। कुछ किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ, उनसे भी चर्चा करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। हरी मेरा नाम मोहर सिंह। हाँ जी। कितने दिन हो गए आज धरने को यहाँ? 5-6 दिन हो गए जी। 5-6 दिन हो गए। हाँ, और मतलब वे पड़े हैं और भाई सर्दी गर्मी को महसूस कर रहे हैं और घर को छोड़ करके इसको घर बना रहे हैं। सिर्फ अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं तो हम अपने हिसाब को मीटिंग करके सेट कर लेंगे, जब हमारी कोई मांगे की पूरी नहीं हो रही तो हम क्या करें। मजबूरी बन गया आंदोलन। हाँ मजबूरी, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कानून की लड़ाई लड़ते हैं जी। कानून के अंदर सब आते हैं, छोटे बड़े सब की जनता सुनती है और सरकार भी सुनती है। कानून के विपरीत नहीं चलेंगे, न किसी से झगड़ा करेंगे और न गलत व्यवहार करेंगे, और सुरक्षा के साथ में अपने धरने को चलाते रहेंगे। कुछ और किसान नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। शक्ति सिंह जी मीडिया की जिम्मेदारी यहाँ पर संभालते हैं। शक्ति भाई कब तक संघर्ष करोगे? संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा जब तक जीत हासिल नहीं होगी और जो किसानों के मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ 6 दिन आपके धरने को आज हो गए, आज 6ठा दिन है, अभी तो प्रशासन से सरकार से कोई बातचीत नहीं हो रही, पूरी अनदेखी हो रही है किसान। देखो एक अहंकार जो होता है ना, वो अहंकार पतन की जननी होता है, तो इस सरकार के पतन के दिन आ गए। अहंकार में सरा डोब है तो यो कहाँ सुन लगी सरकार किसी की। अब ये सरकार सुने ना सुने, देखो हम तो बैठ गए सुनाने के लिए, अब देखते हैं कब तक नहीं सुनते। जब तक समाधान नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। कल चौधरी साहब ने यहाँ कहा कि जिसे खतरा हो अपनी संपत्ति का, मुकदमों का, वो आंदोलन छोड़ के चला जा, जिसे अपनी जान की परवाह हो वो आंदोलन छोड़ के चला जा। क्या जरूरत पड़ी इस बात को कहने की, क्यों ऐसा कहा चौधरी साहब? देखो ऐसा है जी, जो परिवार का मुखिया होता है उसे अपने सब बच्चे प्यारे होते हैं, और बच्चों में डरपोक बच्चे भी होते हैं और दिलेर बच्चे भी होते हैं। बात उनकी बिल्कुल जायज है, उनकी बात का बिल्कुल स्वीकारोक्ति है। जिसे डर लगता होगा वो आंदोलन ना तो लड़ सकता है और ना आंदोलन जीत सकता है, बल्कि जो जीतने वाले लोग हैं और आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं उनकी भी टांग खींचने का काम करता है वो व्यक्ति जो डरता होगा। तो उनकी बात ठीक है, जो डरता हो वो वास्तव में अपने घर ही होना चाहिए, उस आंदोलन में होना भी नहीं चाहिए। आंदोलन पूरे साहस के साथ लड़ा जाएगा? बिल्कुल पूरे साहस के साथ लड़ा जाएगा, तन मन धन तीनों तरीके से, साम नाम दंड भेद हर नीति से, क्योंकि हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और देखो जी हम मानना है भगत सिंह को भी, तो हम तो हर तरीके से आंदोलन लड़ने को तैयार हैं। इसीलिए यहाँ इतनी गहरी सर्दी में भी हम लोग यहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए, और महिलाएं भी देख लो घर की यही है, लड़ेंगे। कुछ और साथी है भाई जी, क्या शुभ नाम है? प्रमोद अलावत जी। अलावत साहब कब तक डटोगे यहाँ? डट रही है तो सरकार के ऊपर है, जब तक सरकार नहीं मानती डटे रहेंगे, ऐसे ही बात दस्तूर रात दिन ऐसे ही चलता रहेगा। ये सरकार को भगवान सदबुद्धि दे, जितनी जल्दी से बुद्धि आ जाएगी उतनी जल्दी मामला सुलझ जाएगा सारा। बजट सभी संतुष्ट नहीं किसान? नहीं, बजट में किसान के लिए है क्या बताओ, झुंझुना पकड़ा दिया, कर्ज कर्ज बना दिया और कर्जा ले लो बस, कर्ज दे के किसान की जमीन लेने का और ही रहा, इन्होंने पॉलिसी बना दी। 1 लाख का कर्ज हमारे पे है वो दिया नहीं जाता, आगे और ले लो बस, फिर तो जमीन ही जाएगी और क्या बचेगा अमरीश भाई, कुछ नहीं बचता। कर्ज लो, बेटियों की शादी करो, कोठी बनाओ, बुलेट लो, फॉर्चूनर लो, सरकार यही तो चाह रही है, सरकार यही तो चाह रही है। ये जमीन की सरकार की और जो इनकी सरमायेदार है उनकी नज़र इस जमीन पे है कि किस तरह जमीन हड़पी जा, वो नए नए तरीके ये इजाद करे। जब तक कर्ज बंद नहीं होगा किसान तो जमीन नहीं छोड़ेगा, कर्ज दिया नहीं जाने का तो जमीन ही खुश जाएगी बाद में, और क्या होगा।
इसमें लगेगा टाइम वैसे 10-5 साल, लेकिन ये उसी उस पर चल रही है सरकार। आप क्या कह रहे थे बाबा इस मामले में? हम ये कह रहे जब सड़क से गए तो फिर डेली पर डाले, फिर उससे पैसा सांसद लौटा हुए सरकार, सांसद लौटा हुए जब अभी सड़क ले गए तो लौटा हुए सर है, जब आम डेली पर डाली तो पैसा बढ़ाते नहीं लेगा उस सड़क से नहीं। तो किसान के दर्द की दवा निकलेगी आंदोलन से? क्या नाम है आपका पहले तो नाम? सैन सरपाल सिंह जानसठ। सर भाई किसान के दर्द की दवा निकलेगी आंदोलन से? नहीं, उम्मीद तो यही है, इसी उम्मीद पे बैठे हैं किसान धरने पे। भाई आप यो देखो, गन्ने का रेट वही है जो खेत में मान लिया डाई है, पोटास तो मिलना ही बंद हो गया, हर चीज के डबल रेट हो गई है। सरकार यो कह वही के 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी तो क्या, वो पहले वाली भी नहीं रही, उससे कम हो गई। जब फसल में खर्चा आन लगा दुगना, ऊपर से मीटर लगा दिए 12 पे, मान लिया हमने तो लगवाया नहीं, जिस पे लग गया 4,000 का बिल आया एक महीने का, कहाँ से दे देगा किसान इतना बिल? एक रही सही कमी है आवारा पशुओं ने कर दी। रात दिन मान लिया, दिन में भी रखवाल करो रात में भी करो, या तो यो देख खा के गेहूँ भी खा रहे हैं, बोर्ड के पोगे सारे खा गए, 10-10, 15-15 फिरे हैं, तो किसान और इससे ज़्यादा परेशान क्या होगा? देखो बिजली महंगाई डबल हो गई और रेट वही, मान लिया जब इनकी सरकार थी जब तो ये कह रहे भाई 450 का 450 रेट होना चाहिए जब विपक्ष में थे, अब इनकी सरकार है तो बढ़ाओ रेट भाई। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, हर चीज़ पे सिलेंडर देख लो कहाँ पहुँच गया, 1100 के करीब, ये 350-400 पे हंगामा करे सिलेंडर का, तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, किसान कहाँ जाएगा? किसान का रेट बढ़ेगा जब ही तो खरीद सके सब चीज़। आपका क्या नाम है भाई साहब? जोगिंदर सिंह जानसठ, ब्लॉक अध्यक्ष। तो जोगिंदर भाई, क्या आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा किसान के पास में? देखो जी, किसान को तो आंदोलन ही करना पड़ रहा, जब 3 कानून बना दिए थे सरकार ने, जब भी गाजीपुर बॉर्डर पर जो है 13 महीने 17 दिन तक लगातार वहीं रहना पड़ा, और जब ही सरकार ने किसान की बात समझी अभी भी वापस लिए, तो अब यहाँ भी जो है इतने जो हमारे किसान के मुद्दे हैं, किसान के मामले हैं जितने, इतने उनका समाधान नहीं होने का, इतना यहाँ भी आंदोलन चलता रहेगा। वहाँ 13 महीने करा चाहे यहाँ 13 साल भी करना पड़े, इतने यहाँ से जाने वाले नहीं, अपनी जो मांग है किसानों की वो मांग पूरी करके यहाँ से जाया जाएगा, इतना आंदोलन चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर का एक तरह से मिनी स्वरूप आप यहाँ आप जैसी ग्राउंड में दिखाई देगा मुझे फोनगर? जी हाँ, उससे भी बड़ा हो जाएगा यहाँ से, जैसा 5 सितंबर में महापंचायत हुई थी यहाँ से, ऐसी ऐसी पंचायत भी होंगी यहाँ से मुजफ्फरनगर में। ये किसान का मुद्दा है, किसान के इतने मामले नहीं सुलझाए जाने के, इतने जो है यही रहने के, मामले सब सरकार को पता ही है किसान की क्या क्या मांग है, वो तो रोज है आपके द्वारा मीडिया द्वारा जारी रही, तो इतने सारे मामले नहीं सुलझाने जाने के, इतने ही रह जाएगा आंदोलन, नहीं रहेगा। तो ये थे जीआईसी ग्राउंड में मौजूद किसान, जिनका कहना है कि जब तक समाधान नहीं होगा किसान अपने आंदोलन के मोर्चे पे डटे रहेंगे।